देखिए सर जी, आप ऊपर तक जाइए, नीचे तक जाइए, साइड तक जाइए, हम चाहे जो भी हो जाए हम नहीं बता सकते। बस तू मत बता, तू मत बता, चल अब तो पुलिस हो गलवाएगी तुझसे, पुलिस। सर जी प्लीज। इलायची के पापा, अगर पंचम जेल जाएगा तो तुम्हें मुझे भी जेल भेजना होगा। क्योंकि पंचम ने ये पैसे मेरे लिए चुराए थे। अच्छा तो ये भी बता दे कि तुझे 2,50,000 रुपए क्यों चाहिए थे? अपने लिए नहीं लिए थे, तुम्हें याद है तुम्हारा एक दोस्त था मुर्गन, उसकी पत्नी दरियागंज हॉस्पिटल में कोमा में है, पैसों की तंगी की वजह से बहुत बुरी हालत में है, तुम्हारी उनसे दुश्मनी हो गई थी, तो मैंने सोचा तुम तो मदद करोगे नहीं, इसलिए मैंने उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी छोटी सी बच्ची को माँ का प्यार देना चाहा। मैंने सोचा जब तक उसकी माँ हॉस्पिटल से वापस नहीं आ जाती उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मम्मी I'm really sorry, मतलब आप इतना अच्छा काम कर रही थी और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और। सॉरी मम्मी, I'm really sorry मम्मा। करू मुझे मुझे माफ कर दे तू, इलायची के बाद तू भी मुझे ना समझ पाई। अरे लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, अगर किसी की जान पे आ जाए तो फिर मैं ना पैसे देखता हूँ ना लड़ाई। इलायची के पापा, मैं तो भाग ही फूट गए। इलायची की माँ, 2,50,000 रुपए ना मैं लेके जाऊंगा अस्पताल, और अगर उनको किसी और चीज की भी जरूरत होगी ना तो भी मैं ही पूरा करूंगा वो। मम्मी पापा, मुझे गर्व है कि मैं आप दोनों की बेटी हूँ। I love you। सेठ जी, हमें भी बहुत गर्व है कि हम आपके साथ काम करते। मुर्गन भाई साहब। हेलो, हाँ मुर्गन भाई साहब, क्या दीदी कोमा से बाहर आ गई? डॉक्टर कह रहे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, अरे वाह। हाँ हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं आ रही हूँ अब, और इस बार मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरा पूरा परिवार आएगा। हाँ हाँ मुर्गन, अब मैं भी आ रहा हूँ। चल चल चल, जल्दी चल, है ना? हाँ अब चल, चला ये मुझे दे। चल तू भी चल, तू भी चल, चल 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 चल। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था भाई। सही बात है, मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कि कहीं आंटी की मदद करते करते मुझे खुद चोरी करने की आदत ना पड़ जाए। अरे यार, आदत पड़ जाए तो कौन सी टेंशन वाली बात है, तू बस इलायची जी का दिल चुराने पे ध्यान लगा, अब मैं सुनीता जी के। साले फिर से तेरी ये बकवास शुरू हो गई, कितनी बार बोले मत किया कर ये सब बातें मेरे साथ। कमाल आदमी यार, एक तो राय दे रहा हूँ ऊपर से तू मुझे ताने दे रहा, नेकी कर कुएं में डाल, फालतू बात कर रहा है। जस्ट शट अप पिंटू। जीजाजी छत पर है। जी जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर है, आइए। अरे वाह इलायची जी, आज तो आप बहुत प्यारी सी लग रही हैं। थैंक यू टीचर जी। वेलकम इलायची जी। टीचर जी, वो मम्मी ने ना आप दोनों के लिए डोसा भेजा है। अरे वाह डोसा, अरे हटाओ ये डोसा बोसा। मतलब मुझे कह रही थी कि ये डोसे के चक्कर में ना पहले ही बहुत रायता फैल चुका है, तो भैया अब डोसे से दूर ही रहे, ना खाएं भाई। अच्छा अरे बीबी का फोन है? इस वक्त पहली फोन है बीबी। ओए क्या बात है, आजकल मैं जब भी फोन करती हूँ तेरी आवाज मुझे कांपती हुई सी क्यों लगती है? बीबी को क्या बताएं हम, ये तूफान के आने से पहले की कपकपी है। मेरी बात का जवाब नहीं दिया पुत्र। नहीं नहीं बेबे, वो हम वो क्या है कि आजकल रियाज करने का समय नहीं मिलता ना, तो बस ये आवाज की हरकतों में रियाज कर लेते हैं वो। सॉरी बेबे सॉरी, और बताइए। अच्छा सुन पुत्र, मैं आने की सोच रही थी। हाँ बेबे आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल। बेबी कोई खास वजह आपकी आने की? कोई खास ही है, तूने तो मुझे कोई खुशखबरी सुनानी नहीं, मैंने सोचा वहां आकर कुछ ऐसा करूं कि तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएं।
बेबे ठीक है पुत्र, खुश रह, जवानियां मान। और सुन, मेरा ये आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। चल बाय। जी बेबे, ओके बाय। ओए बोलू, मूंग दाल का हलवा बनाना, अच्छे से देसी घी डालना, मैं बड़ी कमजोर होती जा रही हूँ। अब ये तूफान पता नहीं क्या उड़ा के ले जाने वाला है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। छोटे 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 पिंकी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, तू ना हमेशा के लिए पिंकी जी के पास आके शिफ्ट हो जा, पिंकी जी के घर में। भाई साहब, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। साहब जी एक मिनट। हेलो, ए बाहर चल, बाहर जाके बात कर, आटा घुसेड़ दूंगा मुंह में। चल बात। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपका थाना यही बात कर रहा है ये? कोई बात नहीं, वो गंदी आदतें पड़ी, ठीक हो जाएगी, तू बैठ जा, बैठ जा। आपने भाई साहब इसको तमीज ना सिखाई शुरू से? हाँ, मैं इतनी जबान नहीं चलती इसकी। हाँ कोई बात नहीं, तू आ गया ना, अब तू सब ठीक कर देगा। अच्छा, तू हमेशा के लिए पिंकी जी के साथ शिफ्ट हो जा। हमेशा के लिए भाई साहब? हाँ। तू एक काम करियो, तू शादी करके ना अपनी बीवी के साथ सीधा घर पे शिफ्ट हो जाइयो, फिर क्या होगा, हम दोनों भाई आराम से रहेंगे और औरतें काम करेगी, मजा आ जाएगा। नहीं भाई साहब जी, क्या है? नई डीएनए रिपोर्ट आई है, देख लीजिए। हाँ चल, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले भाई, पिंकी जी को मिल चुका है। जी जी जी। छोटा छोटे साहब जी। हाँ बोलता रे तू। इस फाइल के हिसाब से पिछली सारी रिपोर्ट गलत बनी है, कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया था तो सारी रिपोर्ट मिक्स हो गई। और हाँ, इस हिसाब से ये छोटे आपका भाई नहीं है। तभी तभी मुझे शक था, इस जैसा घटिया आदमी मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरे जैसे खून में रसोई के करेले जैसा खून कैसे मिल गया? चाट चाट के मेरा मुंह गीला कर दिया है साले। ए पिंकी जी को भी ना पता है, खूब पता है, बंदूक और कैंची के बीच का डिफरेंस समझ में आया? बात करे पिंकी जी जैसे को अपना भाई बनाने के लिए तुझे मोती दान करने पड़ेंगे, मोती। अरे काहे के मोती, मैं तो हीरे जवाहरात दान कर दूं, पर तेरे जैसे भाई को कौन झेलेगा? इतना घटिया आदमी मेरा भाई नहीं हो सकता। मोती दान करवाएगा, शक्ल देखी अपनी मोती दान करने की? दो पिंकी जी के थाने में आके पिंकी जी के साथ बेइज्जती कर दिया। पिंकी जी का थाने तेरा? दो घोड़ी के रसोई है साले, जब से आया हूँ थाने में कभी कचौड़ी में मसाले भरवा रहा है, कभी ढोड़ा इलायची कुटवा रहा है, कभी सिलाई कढ़ाई करवा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो टाइम पास के लिए फेशियल करवा रहा है, कभी हेयर कट कर दू, ये कब तेरे बाप का पैसा लगाया क्या इसमें? बाप का नाम उंगली मत दिखा, उंगली तेरी मत, उंगली किसको दिखा रहा है? पता है पिंकी जी का थाना है, यहाँ का थाना है, ये थाना है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, ये है। सुनो, ऐसे मत देखना, तेरी नजर लग जाएगी मुझे, इतनी प्यारी सी लग रही हो ना। सुनो, मैंने ये सोची थी कि जब तेरी शादी होगी तो मंडप में दो दुल्हन होंगी ना, मतलब एक तू और एक पिंटू भाभी। वेरी फनी। वैसे देखा जाए तो ना, तेरी भी शादी में ना तुझे भी एक सौतन फ्री मिलेगी। हाँ? पिंटू भाभी। ये लो दुल्हन बनने वाली सेल्फी। एक मिनट जा ले, गंदी गई। सुनो। सुनू देख, मेरा दूल्हा आ गया। कोई तो उनकी नजर उतार लो। निकल,
है जीजा जी। ओफो, ये अनाथ समोसा यहाँ क्या कर रहा है भाई साहब? वो क्या ना समोसे हमारे गुरु तारा सिंह जी कहा करते थे, ओ पुत्र समोसा राजमा जहाँ मिले खा लिया कर। अरे वाह, ओहो, अरे अभी अभी मैं यहाँ समोसा छोड़ के गया प्लेट में, कहाँ चला गया? करूँ तो खाना सकती को कुछ खट्टी डकारें आ रही हैं, फिर कहाँ चला गया? अरे कोई कौवा हुआ तो ना ले गया। जीजा जी ने समोसे की चोरी की। ओ। अब देखती जा सुनू, अब हम इनके साथ सच्ची वाला दूल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। चल। हाँ छोड़े है, क्या बात है भाई, आज जो है तेरी उंगलियां एकदम तबला बजा रही हैं। है भाई, मुंह तान पूरा हो रखा है, क्या चक्कर क्या है? अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, मन के दरवाजे पे बाहर बार बार दस्तक दे रही हो ना, तो अंदर जो छुपी हुई कोयल बैठी है ना, वो तो कूकेगी। अबे यार सड़ी गर्मी में जो है बुरा हाल हो रखा है, और तेरे आंगन में बाहर आ रखी है, बात कर रहे है बेकार की तू भी। अरे सेठ जी तुम्हें क्या पता, कल्लो चमन बहार, तुम्हें मालूम है चांदनी चौक में कल्लो चमन बहार आ रही है? और कैसे, हम जैसे जो सूखे पौधे हैं ना, उनके पेड़ों के अंदर जो जड़ें फैली हैं, उन जड़ों को पानी देने आ रही है कल्लो। कल्लो चमन बहार। हाँ। अरे तो मैं क्या करूं, मुझसे कह रहे हैं बेकार की बात, सुन एक बात बताऊं तुझे। हाँ। भैया तू अकेला है, तुझसे कोई पूछने वाला ना है, तुझसे कोई हिसाब किताब लेने वाला ना है, मेरा तो रोज शाम को हिसाब किताब होता है, मुझसे फालतू बात मत कर भैया ये। अरे सेठ जी एक सेकंड, सेठ जी बात है शायद इतनी तुमसे करा लो ऐसी हुई हो, लेकिन तुम्हारी जो आंखें हैं ना, तुम्हारी आंखें साफ साफ बोल रही हैं कि कल्लो जमन बहार के दर्शन के लिए दीदार के लिए तुम भी मरे जा रहे हो। अरे कान पे रख दूंगा तेरे, बात कर रहा है बेकार की तू भी, और सुन मेरी बात मान, मैं कह रहा हूं तू भी मर जा बात। सेठ जी मैं तो जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, और तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए एक टिकट मैंने तुम्हारी भी ले रखी है, दोनों जाएंगे कल्लू चमन बहार को देखने। हाँ। एक बात बता, मैं वहां क्यों जाऊंगा, मैं अपने ही चमन में जो है पतझड़ ले आऊं, बात कर रहा है बेकार की, मैं कहीं ना जा रहा हूं, बता रहा हूं बस। क्यों सेठ जी, कहां जाने की दिक्कत हो रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी है, मतलब आपके रहते जो है कल्लो चमन बहार के शो में टिकट लगी हुई है और आप कुछ ना कर रहे हैं। क्या सेठ जी आपको क्या लग रही है, पिंकी जी सुबह से कर क्या रही है? अपना बैंगन काट रहे हैं। साहब जी आपको भरवा बैंगन बनाना था ना, तो आपको काटना है ना बैंगन, वही बोल रहा था ना। अरे मंगीलाल तू ना मुद्दे से भटका रही है पिंकी जी को, एकदम मुंह बंद रख एक मिनट। ऐसा है सेठ जी, कल्लो चमन का शो हो इधर चांदनी चौक में और आप उस शो के लिए ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पिंकी जी आपके लिए देखिए स्पेशली, ये पिंकी जी टिकट लेके आए 1000 वाली 500 में 2 आपके लिए स्पेशल। दरोगा जी आप भी? क्यों भाई हम क्यों नहीं। अबे तुम सब एक से हो, मैं बता रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, मैं ना देख रहा, अरे मैं ना देख रहा हूँ। जब से पिंकी जी को कल्लो चमन के आने की आहट मिली है, तब से पिंकी जी के मन का मोर पंख फैला रही है, मतलब कि शोर मचा रही है, जोर जोर से नाच रही है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। चल
चलिए। हाँ हाँ मंकीलाल, सारी टिकटें खत्म करनी है बेच बेच के यार, चल चल वहां से शुरू करते हैं। जी जी। क्या कातिल लग रही हो कल, बड़ी खूबसूरत हो, कहीं नजर लग गई तो? ऐसे नहीं सब कहा करते, कल्लो चमन बहार करती हो, अरे करती हो दिल पे वार। एक्सक्यूज मी कल्लो जी, मे आई कम इन प्लीज? आइए आइए। अरे वाह, अभी तो कल्लो की महफिल सजी नहीं और पुलिस की रेड पड़ गई। वैसे ये बड़ा अच्छा शगुन है। पिंकी जी की तो खुद की रेड लगी पड़ी है, पिंकी जी बोल रहे हैं। देखिए कल्लो का वक्त है बहुत कीमती, और आप एक नंबर के वेल्ले हैं। कोई काम है या कल्लो की जूती से बातचीत करने आए हैं? कोई काम है या कल्लो की जूती से बातचीत करने आए हैं? ऐसा है कल्लो चमन जी, पिंकी जी आपकी शान में एक अदना सा गिफ्ट लेकर आए थे। हाय माय जावा, अदना सा गिफ्ट, अरे रे 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 रे, अदना सा गिफ्ट तो लाए क्यों हैं? पिछली बार क्या लेकर आए थे, वो हमारे लिए तकिए के गिलाफ पर कढ़ाई वो करा कर लाए थे। इस बार क्या मैचिंग चादर लाए हैं? अरे कोई है, ले जाओ उनको यहां से उठा के। कहां देख लिया तू, चलना है। अच्छा अबे चिलगोजे, मैंने तुझे यहाँ पर नोट गिनने के लिए नहीं रखा। किसी ऐरे गेरे को मेरे टेंट के अंदर आने मत देना वरना। अरे गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। अच्छा अच्छा रहने दे। वैसे एक बात बता, बहुत दिन हो गए कोई बकरा नहीं फंसा। इस बार के शो में कोई अमीर ज्यादा पकड़ के ले आई हो और उसे सीधा मेरे टेंट का रास्ता दिखा देना, बाकी कल्लो संभाल लेगी। हाय 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 हाय, कल्लो चमन मैं आ रहा हूं तुम्हारे दीदार करने, और एक बार तुम्हारे दीदार हो गए तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे। हाँ गुस्सा जा रहा है या, अकेले अकेले मजे ले भी जाएगा? ना ना, तेरा ताऊ आ रहा साथ में, कमर मटकाएगा बैठ के। बकवास कर रहा फालतू। भैया छोटी, मैं देख बकवास ना कर रहा हूँ, मैं तो देख यूँ कह रहा हूँ कि देख तो पर दो दो टिकटें हैं ना, और आदमी तू अकेला है, एक भैया तेरो ये भी है, दोनों भैया चल के मजे करेंगे भैया। अरे अरे कहाँ घुसा जा रहा यहाँ पे, मुंह खराब कर रहा फालतू का, और शक्ल देखिए तू, कल्लू चमन का डांस देखेगा है? अरे वो कहाँ पुरानी शराब है, तेरे बस की ना है। भैया छोटी एक बात बताऊं, मुझे भी आज मन कर रहा है पुरानी शराब को मजा चखने को, ले चलना भैया, ले चल भैया। फालतू में घुस रहा बीच में, अरे ये दो टिकट का मतलब समझ रहा है, एक में मैं जाऊंगा एक में मेरे सेठ जी जाएंगे। अरे यार छोटे, सेठ जी ना बड़े शरीफ आदमी है, वो तेरे संग जा में ना जाएंगे देख वे, समझ रहे, मुंह ले चल भैया, देख तेरे हाथ जोड़ू तेरे पैर पड़ू, ले चलना।
ले चल भैया प्लीज। खाली मेरी दुकान में आके मेरी बैगन काट रहा है, और सुन शराफत की क्या बात कर रहा है, सेठ जी से ज्यादा शरीफ मैं हूँ इस मामले में। तो पहली बात कान खोल के सुन ले, सेठ जी तो जाके रहेंगे और छोटे को 10 तरीके आते हैं। पहले मालूम है मुझे सेठ जी एक बार में ना जाएंगे, लेकिन छोटे को बहुत सारे तरीके मालूम है। सेठ जी को ले जाऊंगा मैं, तुम देख छोटे तेरी मालिश भी कर दूंगा। ले चलना भैया प्लीज। अरे भैया, अरे भैया प्लीज। अरे भैया छोटे, अरे चलना यार। अरे ये ले चलना यार। अरे ये टिकट ले गया। अरे ले गया। अरे ले गया। अरे अरे ओ